नमस्कार दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम ने एक शानदार जीत दर्ज की। लेकिन दोस्तों, उसके बावजूद भी कप्तान रोहित शर्मा ने भारतीय टीम को तीसरे टेस्ट मुकाबले के लिए चेंज कर दिया है, जहां पर कप्तान रोहित शर्मा ने भारतीय टीम के लिए तीन बड़े बदलाव किए हैं। वहीं दोस्तों, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और उनके सेलेक्टर्स ने श्रेयस अय्यर, मुकेश कुमार, KS भरत जैसे कई खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया है। वहीं पर दूसरे टेस्ट मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करने वाले जसप्रीत बुमराह को भी तीसरे टेस्ट मुकाबले के लिए आराम दिया गया है। तो दोस्तों, भारतीय टीम की तीसरे टेस्ट मुकाबले के लिए क्या प्लेइंग 11 रहने वाली है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। उससे पहले दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय टीम तीसरे टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड को हरा पाएगी या नहीं, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच तीन टेस्ट मुकाबलों की सीरीज खेली जा रही है, जहाँ पर पहला टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम हार गई और दूसरा टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम ने इंग्लैंड टीम का बदला लेते हुए उनको हरा दिया है। लेकिन दोस्तों, अब सीरीज में कब्जा करने के लिए भारतीय टीम तीसरा टेस्ट मुकाबला जीतना चाहेगी, जहां पर कप्तान रोहित शर्मा ने 4-5 बड़े बदलाव टीम इंडिया में किए हैं। तो वहीं दोस्तों, सबसे बड़े बदलाव की बात करें तो वहां पर भारतीय टीम में सरफराज खान को एंट्री मिली है, जहां पर सरफराज खान अपने विकेटकीपर बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टीम को एक अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। वहीं दोस्तों, दूसरे बदलाव के रूप में जसप्रीत बुमराह को टीम इंडिया से आराम दिया गया है, जहां पर उनकी जगह पर मोहम्मद शमी को टीम में एंट्री मिली है। और दोस्तों, वहीं पर तीसरे सबसे बड़े बदलाव की बात करें तो वहां पर ओपनिंग बल्लेबाज सुमन गिल को तीसरे टेस्ट मुकाबले के लिए आराम दिया गया है, क्योंकि सुमन गिल पिछले काफी मैचों से फ्लॉप में चल रहे हैं, जहां पर उनका प्रदर्शन काफी अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, कप्तान रोहित शर्मा और भारतीय टीम के सेलेक्टर्स ने उनकी जगह पर KS भरत को टीम इंडिया में जगह दी है, जहां पर वो बल्लेबाजी के साथ साथ विकेट कीपिंग करते हुए भी नजर आ सकते हैं। वहीं दोस्तों, भारतीय टीम की फुल स्क्वाड की बात करें तो वहां पर ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए यशस्वी जायसवाल और कप्तान रोहित शर्मा खुद उतरने वाले हैं। उनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए विराट कोहली, KL राहुल और KS भरत बल्लेबाजी करने वाले हैं। उनके बाद दोस्तों, बल्लेबाजी करने उतरेंगे सरफराज खान। वहीं दोस्तों, गेंदबाजी क्रम की बात करें तो वहां पर कुलदीप यादव पेसर्स के रूम में मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज बॉलिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय टीम इंग्लैंड को तीसरे टेस्ट मुकाबले में हरा पाएगी या नहीं, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।